शराब और कोयला घोटाले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने कहा कि 2 साल जांच करने के बाद भी ईडी आईटी को कुछ नहीं मिला, केस अब ईओआईडब्ल्यू को सौंपा गया है, वो क्या कर लेंगे, शायद सरकार नगर सैनिक और कोटवार से जांच कराएगी। सरकार अपनी ताकत का गलत उपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी शराब घोटाले का केस अब खारिज कर दिया है। कोल वाले मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद झीरम कांड की जांच एनआईए करेगी। अच्छा, आपने पूछा कोल घोटाला, झीरम घोटाला और शराब घोटाला। मजेदार बात यह है कि पहले आईटी ने जांच की इनकम टैक्स में, फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जांच की ईडी ने। 2 साल हो गया, वो फाइनल रिपोर्ट ही सबमिट नहीं कर पाए, अब वो दे दिए हैं ईओडब्ल्यू को। अब ईओडब्ल्यू भी क्या कर लेंगे, 2 साल तक के आईटी और ईडी ने जांच किया है, उसके अलावा क्या जांच कर लेंगे। मुझे तो लगता है कि अब जो साय सरकार है, अब किसी नगर सैनिक या कोटवार से जांच कराएंगे। अरे, केंद्रीय एजेंसी जांच कर ली, उसमें कुछ मिला नहीं है ना, और आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए, 2-2 साल हो गया। और उसके बाद अब यह है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ईओडब्ल्यू दे दिया। ईओडब्ल्यू क्या करेंगे, जो चीजें जो लीकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया, अब ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज है, फिर पकड़ लिया। मतलब जो आपको अधिकार मिला है उसका सीधा सीधा दुरुपयोग दिखाई देता, सुप्रीम कोर्ट में टिका नहीं, उन्होंने खारिज कर दिया, आप ईओडब्ल्यू करके फिर गिरफ्तार कर लिए। कोल वाले मामले में भी आप क्या कर रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट तो सबमिट नहीं किए ना आईटी ने ईडी ने, क्यों नहीं किया भाई, 2 साल बीत गया, अब ईओडब्ल्यू दे दिया, अब वो रिमांड मिले रहे हैं।